देवास जिले के बागली अनुभाग के आदिवासी ग्राम खोलजीपुरा में मंगलवार की रात को उच्च शिक्षा मंत्री और देवास के प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी आपकी सरकार आपके द्वार के अंतर्गत पहुंचे। रात्रि विश्राम के साथ आदिवासी भाई के यहां खाना खाया। आजादी के बाद पहला अवसर था ग्रामीणों के पास कोई मंत्री इस प्रकार आए और चौपाल पर महिलाओं, बच्चों और नौजवानों ने सीधे अपने मंत्री से अपनी बात की। वही मंत्री मालवी भाषा के चुटिले अंदाज में दिखे। लोगों के एक एक मुद्दे पर पहले उनकी बात सुनी और कमी होने पर तत्काल अधिकारियों को तलब करके व्यवस्था सुधारने का आश्वासन सुनकर ग्रामवासी खुश हुए। ग्राम पंचायत में मंत्री द्वारा ग्रामीणों से शासन द्वारा शौचालय की वास्तविक स्थिति जानने के लिए रोचक अंदाज में ग्रामीणों से पूछा, किस किस के यहाँ शौचालय नहीं बने हैं, उन्हें 5,000 का इनाम दूंगा। झट से 4-5 महिलाओं ने हाथ खड़े किए। फिर उनसे जानकारी सही पाए जाने पर जनपद CEO अमित कुमार व्यास को जमकर फटकार लगाई। मंत्री के व्यवहार से ग्रामीणों ने उन्हें नायक फिल्म का अवतार बताया। चौपाल में आए प्रेम सिंह जी दिव्यांग होकर कैंसर बीमारी से पीड़ित थे। मंत्री ने उनका हालचाल जाना और अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए। राज्य शासन से इलाज के लिए तत्काल आर्थिक मदद के निर्देश भी दिए। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। मूल भावना थी कि हम अधिकारी कर्मचारी गांव-गांव पहुंचे। 5 दिन तक ये अभियान पहले सत्र में या पहले दौर में किया गया। इसके मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नेचुरल है कि जो मंत्री है, प्रभारी मंत्री, उसको भी गांव में रहना चाहिए, उनको भी रहना चाहिए। कलेक्टर रह रहे हैं, SDM रह रहे हैं, तो प्रभारी मंत्री, विधायक, हमारे और परिवार के जनप्रतिनिधि, सबको रहना चाहिए। सबके मूल उद्देश्य होता है जनता की सेवा और क्षेत्र का विकास। यहाँ पर मैं जब आज आया तो मुझे एक विकलांग परिवार का साथी मिला जिसको कैंसर था। अगर उसका कुछ भला इस पूरे आयोजन से हो जाए तो हमारा उद्देश्य पूर्णता होती है। एक परिवार का साथी जो दूसरा विकलांग था, उसके खेत पे रास्ते पे कब्जा था, अगर वो हट गया तो हमारी इस परियोजना को ऐसे कई गांवों में छोटी छोटी बातों को लेकर प्रयास किए जाएंगे। चूँकि कोई भी योजना चालू करते हैं नेचुरल में कुछ कमी रहती है, उसका मॉनिटरिंग होती है, उसकी समीक्षा होती है और फिर आगे जब दौर चालू हो तो उसका सुधार होता है। ये प्रथम प्रयास है। इसके साथ और आने वाले समय में हर गाँव में कर्मचारी अधिकारी छोटे छोटी जितनी समस्याएं ऑन द स्पॉट जो समाप्त हो सकती हैं उनको करें, ये उनका दायित्व है। और इस मूल भावना को लेकर इस आयोजन का या इस पूरे प्रोग्राम का मूल उद्देश्य है। एक फिल्म आई थी नायक, जिसमें जो है जो किरदार जो हीरो था वो जो है एक दिन का PM होता है और गांव में पहुंचकर मतलब मौके पर पहुंचकर जो है समस्याओं का समाधान करता है। तो चूंकि क्या ये ऐसा तो नहीं है कि ये समाधान होगा या नहीं होगा? बेसिक ये है कि वो फिल्म और ये रियलिटी है। जो रियलिटी है ये एक जनता द्वारा ईमानदारी से जिनने वोट दिया उनकी सेवा करना मूल भावना है। ये मूल्यांकन कितना हम पास हुए और कितना फेल हुए ये न मैं बता सकता हूँ, मैं समझता हूँ ये समय बताता है। हमारी धारणा, मूल धारणा थी कि अधिकारी कर्मचारी गांव-गांव पहुँचे, रात्रि विश्राम करे, लोगों के दर्द को जिए, लाइट की कमी है, लाइट कट जाती है, उसका मूल भावना का पता कैसे चलेगा? एक विभाग का अधिकारी कहता है लाइट पूरी देते हैं हम लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्लाते हैं लाइट नहीं मिल रही है। हम जो जनता का फीडबैक आता है उसमें दोनों तरह की बात आती है। तो अधिकारी जाके अगर खड़ा रहेगा तो नेचुरली समस्या का समाधान होगा। कर्मचारियों का दायित्व है, जनप्रतिनिधियों का दायित्व है, जनप्रतिनिधि भी उसके साथ जाना है, कर्मचारियों के साथ। जो जागरूक जनप्रतिनिधि होगा वो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इसमें पॉजिटिविटी है। पूरे आयोजन में कहीं ना कहीं जो है शिकायतें भी मिल रही थी कई तरह की चीज़ें, तो क्या संतुष्ट हैं जो कर्मचारी?